हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल राकेश सैनी ब्लॉगर में। जैसे कि आप सबको पता है कि आज दशहरा है और दशहरे पे हम आए हैं नासिक के पंचवटी क्षेत्र में, जहाँ पे स्थित है राम जी का मंदिर, जिसे काला राम मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मंदिर का नाम राम जी की एक काली मूर्ति के नाम पर रखा गया है। मंदिर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो यहाँ काले रंग की हनुमान जी की मूर्ति है, जिसे बिल्कुल सीधा राम जी के दर्शन किया जा सकते हैं अगर बाहर से हम सीधा देखें तो। यहाँ पे देवी सीता और भगवान लक्ष्मण की भी मूर्तियाँ हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। अगर मंदिर की इतिहास की बात करें तो बताते हैं जो श्री राम जी की मूर्ति है वो 2000 साल पुरानी है। पुराने समय में एक बार हमले के दौरान मंदिर को बचाने के लिए मंदिरों के ब्राह्मणों ने जो राम जी की मूर्ति है उसको गोदावरी नदी में फेंक दिया था। उसके बाद सरदार रंगा राव ओडेकर द्वारा इसको दोबारा से पुनर्निर्माण किया गया। बताते हैं ओडेकर जी को एक बार सपना आया और सपने में इन्हें ज्ञात हुआ कि एक काली मूर्ति जो राम जी की है वो गोदावरी नदी में है। फिर बड़ी चमत्कारिक रूप से इन्होंने उस मूर्ति को निकाला, फिर मंदिर का निर्माण किया। इसलिए ओडेकर जी को बताया जाता है कि नासिक के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं वो भी, तो इसलिए मंदिर में उनकी भी एक मूर्ति है। मंदिर में जो सीढ़ियाँ हैं वो 14 हैं, जो राम जी के 14 वर्ष के वनवास को दर्शाती हैं। और यहाँ पे 84 खंभे लगे हुए हैं जो इंसान के 84 लाख योनियों को प्रस्तुत करती है। रामायण के अनुसार जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो 10वें वर्ष के बाद राम, लक्ष्मण और सीता जी नासिक के गोदावरी के उत्तरी तट पर 2.5 साल तक रुके थे, तभी से इसका नाम पंचवटी पड़ा। तो भाई अभी हम गए काला राम मंदिर में। तो अभी आज जैसे कि पता है सबको दशहरा है, तो दशहरा पे आज रावण दहन होएगा, है ना भाई। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं, यहाँ पे रामकुंड, रामकुंड जा रहे हैं। रामकुंड में अभी उधर रावण दहन का प्रोग्राम है। अच्छा, रामलीला भी कहते हैं। हाँ, जैसे अपने रामलीला होती है ना, जैसे कि आज विजयादशमी है, तो काफ़ी दिनों बाद, दिनों क्या यार, काफ़ी टाइम से मैंने ना रावण दहन नहीं देखा अपनी ज़िंदगी में। तो अब देखते हैं यहाँ का नासिक का पहली बार पुराना नासिक ये स्ट्रक्चर वाइज देखो, पुराने नासिक का के जो घर होते। तो ये पूरा नीचे रोड कहाँ जा रहे हैं, रामकुंड में है, रामकुंड वहीं पर मतलब रावण का पुतला लगाया हुआ है। मैं भी रहते हैं। चलो आज काफ़ी सालों बाद महाराष्ट्र का नासिक का रावण दहन देखेंगे। चलो चलो, तो भाई अब रामकुंड आने वाला है और यहाँ पे भीड़ देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे मेला भरता है वहाँ भीड़ तो पाएगी, स्वाभाविक है। और ये सामने मंदिर यही ना, रामकुंड आ गया, कुंड आ गया, मंदिर ही है। चलो चलो, भीड़ है। मुकेश खन्ना शक्तिमान, शारदीय नवरात्र उत्सव, ये देखो हवन की वजह से आहुति दी जा रही है, हवन की वजह से धुआं ही धुआं है। हम माता के मंदिर आ गए और यहाँ पे हवन पूजा चल रही है, काफ़ी भक्त आए हुए हैं यहीं पे माता का आशीर्वाद लेने। और ये माता शब्द सिंह की माता सभी पे कृपा करे। जय काल भैरव भगवान की जय। और मंदिर में ही काल भैरव जी की प्रतिमा, और यहाँ पे भक्तजन माता का आशीर्वाद लेने के बाद काल भैरव जी का आशीर्वाद लेते हुए, तो अभी हम आ गए हैं रामकुंड में। रामकुंड नासिक में गोदावरी नदी पर स्थित एक पवित्र स्थान है। यहाँ पे माना जाता है कि अगर जो यहाँ पे स्नान करता है तो उसे बहुत पुण्य मिलता है। रामकुंड गोदावरी नदी पर एक महत्वपूर्ण धार्मिक तालाब है। हिंदू इस तालाब को बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यहाँ स्नान करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में ऐसा बताया जाता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें यहाँ गिर गई थी और रामकुंड पवित्र हो गया था। हिंदू श्रद्धालु यहाँ पर अस्थियाँ विसर्जित करने भी आते हैं। यहाँ पर मान्यता बताई जाती है अगर उनकी पूर्वजों की अस्थियाँ अगर यहाँ पर मतलब बहवाई जाएगी तो उन्हें मोक्ष मिलेगा। पास में ही यहाँ पे गंगा गोदावरी का मंदिर है। और सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पे हर 12 साल में यहाँ कुंभ का मेला लगता है, और कुंभ के मेले में लाखों की संख्या में जो धार्मिक हिंदू यहाँ पे इकट्ठे होते हैं और स्नान करते हैं और पुण्य प्राप्त करते हैं, जिसमें कई साधु संत भी शामिल होते हैं। और रामकुंड के पास ही सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड भी हैं। रामकुंड का उल्लेख रामायण में भी किया गया है। यहाँ पर रामनवमी, दशहरा और दिवाली पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। जैसे कि आज दशहरा है, आज यहाँ काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे मंदिरों को लाइट से सजाया हुआ है। ये देखो कितनी सुंदर बतख, कितने प्यार से मोमेंट कैप्चर हो गया। यहीं पे रामकुंड में अभी रावण दहन से पहले ये देखो
राम जी की झांकी निकाली जा रही है यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले एक झांकी निकालते हैं। और कितना सुनहरा और प्यारा दृश्य है। और अभी ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं राम जी और लक्ष्मण जी। जय श्री राम। और दशहरे का यही संदेश है, बुराई पर अच्छाई की जीत। जय श्री राम। राम जी की झांकी के बाद अब रावण दहन का समय आ चुका है। और पीछे देखिए हाईवे, लोग हाईवे पे गाड़ी रोक के यहाँ पे रावण दहन को देखने के लिए रुके हुए हैं। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद रावण दहन हो गया और उसके बाद फिर हम आगे की ओर बढ़े। और यहाँ रावण दहन के बाद हमने यहाँ की जो मार्केट है वहाँ घूमे। और ये देखो, ये बचपन में किस किस ने मुकुट पहना है, सच सच बताना। और इतने सुंदर प्यारे प्यारे मुकुट है जिसमें बजरंग बली, शेर, और बहुत सुंदर। रावण दहन के बाद पास ही कपालेश्वर देवस्थान यानी महादेव जी का मंदिर। और अब हम कपालेश्वर मंदिर में आ गए हैं भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए। हमने लोगों से कपालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में लोगों से जाना। जैसे कि लोगों ने हमें बताया कि पूरे संसार में महादेव जी का सिर्फ एक ऐसा मंदिर है जो नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है, रामकुंड के पास, कपालेश्वर मंदिर, जहाँ पर नंदी भगवान नहीं है। अधिकतर आपने देखे होंगे कि नंदी भगवान हर मंदिर में आपको भोलेनाथ के सामने मिलेंगे, लेकिन इस वाले मंदिर में आपको नंदी भगवान नहीं मिलेंगे। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार शिव जी ने गुस्से में आकर ब्रह्मा जी के एक सिर को काट दिया था। ब्रह्मा जी के पांच सिर थे, जिनमें से चार सिर जो थे यानी चार मुँह, वो हमेशा अच्छी बातें करते थे और जो एक मुँह था वो हमेशा गलत बात या बुरी बात करता था। तब शिव जी ने उन्हें गुस्से में आके उनका सर काट दिया, तो शिव भगवान को ब्रह्म हत्या पाप लग गया। तो उस पाप का पश्चाताप करने के लिए और नंदी भगवान ने ही गुरु बनकर शिव भगवान का मार्गदर्शन किया था। नंदी भगवान ने ही शिव भगवान को सलाह दी थी कि आप रामकुंड जाओ और वहाँ पे जो तालाब है गोदावरी नदी में, वहाँ पे आप स्नान करो और आप पवित्र हो जाएंगे और आप पुण्य कमाएंगे। तो शिव भगवान ने यहाँ पे स्नान करने के बाद अपने आप को पवित्र किया और तपस्या करने लग गए। तो कहा जाता है कि नंदी भगवान के ही जरिए शिव भगवान को इससे मुक्ति मिली थी और उन्होंने अकेले ही आके यहाँ पे तप किया था और अब पुण्य कमाया था। तो इसी वजह से यहाँ पे नंदी भगवान की आपको मूर्ति नहीं दिखती। स्नान करने के बाद, तपस्या के बाद शिव भगवान भी उस पाप से मुक्त हो गए थे जो उन पे ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इसलिए बताया जाता है कि रामकुंड को सबसे पवित्र माना जाता है, इसलिए यहाँ पे लाखों की भीड़ में श्रद्धालु आते हैं और पुण्य कमाते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। तो इस तरह हमने कपालेश्वर भगवान के बारे में लोगों से सुना, जाना और उनके अच्छे से दर्शन किए। भगवान आपके सभी कष्टों को दूर करें, आप पर कृपा करें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।